हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग भाई लेट में उठते हैं और प्रिंस की मम्मी सुबह उठ जाती हैं, क्योंकि भाई अभी प्रिंस भी सुबह उठ जाता है। तो थोड़ा सा मैं रात में थोड़ा काम करके आया था तो थका था, तो अभी लेट में उठाऊँ। तो अभी प्रिंस देख सकते हो भाई, रील बनाने वाला रखा है कैमरा, उसको इधर रखो। कहाँ से आ जाता है बीच में। तो कितने बजे स्कूल है प्रिंस आज? 8 बजे के हैं। तो अभी प्रिंस स्कूल के लिए रेडी हो रहा है और प्रिंस की मम्मी खाना बना रही हैं। और आज क्या क्या बता है? रोटी सब्जी चावल। अच्छा, तो चलो नहा लिए सुबह सुबह। हाँ, नहा लिए। तो भैया नहा लिए भाई, और अभी हम भी ब्रश व्रश कर लिए, मंजन करके रेडी हैं, क्योंकि भाई आज बकरियों का थोड़ा सा इलाज करना है। तो अभी हम नहीं नहाएंगे तो थोड़ा इनका इलाज उलाज कर देंगे। और अभी सभी धूप खुला है तो सभी इंतजार कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। क्या चाहिए हैं? अभी सबको अंदर रखे हैं, सबको बांध के। तो अभी मौसम अच्छा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मौसम अच्छा होता तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो अभी इनके लिए अनाज अनाज उबल गया है और ये देख सकते हो बाहर मतलब निकल रहा है। ये इसको चला देते हैं थोड़ा सा, ये लग तो नहीं रहा ना। तो अभी दोस्तों अभी देख सकते हो नहा गया, सब्जी चावल और ये बजरा का रोटियाँ। किसका? बजरी नहीं है भाई, मटर का है। इसमें मटर है, गेहूँ है और प्याज है, सारा कुछ मतलब डाल के आज बना है। तो चलते फटाफट खाते हैं। प्रिंस तो उंगलियां चाट रहा है, क्यों मुंह फुला के रखा है? बोल, ऊपर मुंह कर। काहे मुंह फुलाया भाई? मुंह इसलिए फुलाया ना, ये रात को 12-1 बजे से आप मोबाइल में गेम खेलता है और पढ़ाई बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसको बोलते थे मुंह फुला लेता है, अभी सुबह देर हो रहा तो मोबाइल में लगा हुआ है। तो ये पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है। जब मोबाइल जैसे हमारे लोगों के हाथ से छूटता हम लोग सो जाते हैं, वैसे उठा के गेम खेलने लगता है, पूरी रात खेलता है। तो सुबह उठाएं तो उठता रहे इससे करता रहता है। कैसे करता है? तो चलते हैं भाई, हम भी साथ में खा लेते हैं फटाफट। दोस्तों फाइनली भी खाना वाना खा के रेडी हो गए और चलते भाई इसको डाल देते हैं ठंडा होने के लिए। इसको साइड में चलते हैं। इसको क्या होगा जिसमें जो है पड़ा, इसमें है ये जो पड़ा है वहाँ। ये फटाफट आ गए, देखा जैसे देखें कि कुछ आवाज आ जाता है उसे भाग गए। और सभी अभी खड़ी होके पूरी रही रस्सियाँ सब जनी देख लो भाई, घर घर के पास आते हैं बेचने के लिए सब्जियाँ भाई। तभी मैडम जी सब्जी ले रही हैं। क्या क्या ले रही हो? 100 ले रहे हैं। और आलू? आलू आलू तो इधर है, बड़ी बड़ी आलू है। और क्या? और गाजर। गाजर बड़े-बड़े गाजर इधर है। तो दोस्तों फाइनली अभी घर के पास आज बकरियों को चरा रहा हूँ, कहीं दूर नहीं गई है बकरी मेरी। और भाई अभी देख सकते हो प्रिंस मम्मी भी पीछे पीछे हैं और सारी बकरियाँ इधर चल रही हैं, अभी देख सकते हो भाई। इनको चराने के लिए कहीं भी जगह नहीं है अभी फिलहाल, तभी सबको चरने देता हूँ जितनी बकरियाँ हैं। तो चल, तो भाई अभी बकरियों को हम लोग यहाँ चरा रहे हैं और अभी आज हम लोग कहीं नहीं ले जाएंगे चराने के लिए, क्योंकि हमारे घर के पास ही अभी देख सकते हो ये मेरा घर है सामने वाला, और ये मेरे भाई के घर है, और अब ये जो बना है किसी और का है, मतलब गांव के आदमी का घर है। तो अभी देखो हमारी बकरियाँ सब चर रही हैं यहाँ पर अच्छे से, अभी देखो दुष्टता दिखा रही हैं। और ये वाला ना, ये सबसे ज़्यादा दुष्ट है, ये वाला ये नहीं चरता, ये भी नहीं चरती, और सारी चर रही है। देखो सभी धूम नोच रही हैं, है ना? सब चले थे, ये नहीं चरते ना, वो भी चरे, ये दोनों इसे खड़ी रहती घर इनके इंतजार में रहती। तो भाई अभी हम लोगों को इनको खांसी को दिखाए थे बेचने के लिए, बात हो रहा था। तो और भाई हम मतलब पता भी किए हैं कि बकरी लाना है कि नहीं लाना है। तो अभी मैं पता किया, 3 बकरी एक जगह, लेकिन दोस्तों छोटी हैं वो, मतलब अभी जैसे वो काली वाली नहीं है उसी तरह है, तो वो गाभिन है। तो हम लोग फर्स्ट मॉडल वाली, जो फर्स्ट गाभिन बच्चा रहेगा उसको नहीं लाएंगे, है ना? वो उससे नुकसान हो सकता है। तो अभी इनको हम तीनों खांसी को चारों दिखाए हैं, तो इनका रेट कम बता रहा है, जो चिकवा होते हैं हमारे यहाँ ले जाने वाले तो कम बता रहे हैं, क्योंकि तीनों के चारों को बता रहे हैं कि 25,000 रुपया। तो हम लोग बोले कि नहीं अभी नहीं बेचूंगा, ईद आएगा तो बेचूंगा। तो ईद 2 महीना बाद अच्छा खासा पैसा बढ़ता है, और उस समय में ना कीमत भी मिल जाती है। तो हमारे गांव वाले सभी बोले कि अभी इसको ना बेचो, अभी 2-4 महीना रुक जाओ, जब ईद आएगा तो बेचना। तो अभी उसको भी रिकवर कर देंगे वो बकरी को, जो मतलब पूरा मतलब जल गई है, तो उसको ऊपर से थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, सभी तो बोल रहे हैं कि बेच दो, लेकिन बेचूंगा नहीं, बस उसको ऐसे पड़ी रहने दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे खूंटा पर अगर बची है, मरने से जीने से तो वहीं पर पड़ी रहेगी, जो अब तक रहेगी, खाएगी पिएगी ऐसे करेगी। और 2 महीना उनको सेवा पे कर लगेगा। हाँ, 2-2.5 महीना तो रिकवर होने में लगेगा, क्योंकि काफ़ी जल गई है ना। तो यहाँ सुन रहे हैं
अभी देखो ये इंसानों के बीच में रहते हैं, जैसे हम लोग जहाँ बैठेंगे वहीं पे आ जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग घर पे आ गए, प्रिंस बकरी चरा रहा है उधर जाके, क्योंकि खाना वाना खाया तो हम लोग भाई उधर देख रहे थे, तो अभी बकरी चरा रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, अब काम हो गया, काम हुई तो खाना। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम लोग, खाना वाना बनाएंगे क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है दोस्तों। और आशा रहा तो आप लोगों को जल्दी बहुत अच्छी गुड न्यूज बताने वाले हैं, क्योंकि भाई हमें भी लग रहा है कि इस बार हमारे घर में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और आप लोगों की दुआ रहेगा जरूर कुछ अच्छा हम लोग सोच के रखे हैं बताने के लिए आप लोगों को। क्योंकि भाई जब से बकरी लाए हैं, जब से जल गई, फिर इस बार एक मर गई, और इसमें काफ़ी घाटा हो रहा था। लेकिन अभी जो EMI भर रहे थे हम लोग बैंक का, तो उसको भी मतलब भर दिए थे, लगभग अभी 15-15 किस्त है, 5 किस्त भरे हैं 5 महीने में, लगभग 4,500 का। तो अभी 15 महीने का EMI चलेगा ना, 2 साल का EMI था दोस्तों, तो काफ़ी मतलब मुश्किल भरा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ रहेगा तो बहुत जल्दी भर देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।